नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिससे जुड़े लोग अजूबा बन गए। वो कहां से आए और कहां गायब हो गए, ना कोई उनके बारे में बताने वाला था और ना उनकी कोई पहचान ही हो पाई। एक दो घटनाएं हालांकि ऐसी हुई जिस घटना में मौजूद पात्र की पहचान हो गई, लेकिन ज्यादा लोग आज तक एक अजीब पहेली बनकर रह गए हैं। उनके बारे में आज भी कोई कुछ बता नहीं पाता। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी। इन्हीं घटनाओं में कुछ ऐसे शख्स सामने आए जिनकी पहचान एक रहस्य ही बनकर रह गई। आइए जानते हैं ऐसे ही 10 रहस्यमयी व्यक्तियों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, ताकि हमें आगे भी आप सबके लिए और अच्छा काम करने की मोटिवेशन मिल सके। इसके लिए आप सभी का पहले ही धन्यवाद। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। नंबर 10। मुस्कान के साथ सीन नदी में मृत मिली अनजान लड़की। इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाई। ये कौन थी जिसके चेहरे पर मौत का कोई भय नहीं था, बल्कि चेहरे पर संतोष से भरी मुस्कान थी। इस लड़की की तस्वीरों को लोगों ने खरीदा और ये तस्वीरें सबसे ज्यादा किस की गई तस्वीरों में से एक है। इस लड़की के चेहरे की तस्वीर से एक मूर्ति बनाई गई जो उसी की तरह रहस्यमयी मुस्कान के साथ दिखती रही। नंबर 9। केविन कार्टर की तस्वीर में दिखा सूडानी बच्चा। सूडान की यात्रा पर निकले फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की इस तस्वीर ने दुनिया में टहलका मचा दिया, जिसमें मौत के द्वार पर झुके बच्चे की तस्वीर थी। इस तस्वीर के पीछे गिद्ध उसकी मौत का इंतजार करता दिखा। ये बच्चा कौन था, इसकी कभी पहचान नहीं हो पाई। इस तस्वीर ने तत्कालीन सूडान की बेबसी को दुनिया के सामने लाकर दुनिया को हतप्रभ कर दिया। नंबर 8। यूक्रेन के विनित्सा में मारे गए आखिरी यहूदी की पहचान अब तक अज्ञात। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों की मौत की मशीनों ने लाखों लोगों को काल का ग्रास बनाया। उसी दौरान ये फोटो खींची गई थी जो विनित्सा का आखिरी जीवित यहूदी था और मरने वाला था। इस यहूदी की कभी पहचान नहीं हो पाई। नंबर 7। विक्ट्री डे पर किस करता अनजान कपल। जब न्यूयॉर्क द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे का जश्न मना रहा था, तब ये तस्वीर ऑल्फ्रेड एसेंस्टेड द्वारा खींची गई थी। इस तस्वीर को खुशियों का आइकॉन माना गया और इस कपल की तलाश की गई, पर कभी ये कपल सामने आया ही नहीं। जिन लोगों ने दावे किए वो गलत पाए गए। सही आइकॉन की तलाश कभी पूरी नहीं हो पाई। हालांकि अभी एक दो साल पहले कहा गया कि चित्र में नजर आ रही नर्स और व्यक्ति दोनों की पहचान कर ली गई है। पुरुष एक जहाजी था तो महिला एक नर्स। नंबर 6। द बबूशका लेडी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के समय एक महिला वहां दिखी थी जो कई लोगों के कैमरों में कैद हुई। माना जाता रहा कि कैनेडी की हत्या उसके हाथों में पकड़े गए कैमरे रूपी पिस्तौल से हुई, पर उस महिला की कभी पहचान नहीं हो पाई और न ही उस कैमरे या पिस्तौल का कुछ पता चला। बाद में एक महिला ने दावा किया कि वही उस समय वहां थी, पर वो साबित नहीं कर पाई। इसलिए आज तक ये गुत्थी उलझी हुई है कि कैनेडी की हत्या किसी एक ही व्यक्ति ने की थी या उसके साथ कोई और था, और अगर कोई और था तो ये महिला वहां तक कैसे पहुंची और इसकी पहचान अब तक क्यों नहीं हो पाई। नंबर 5। माउंट एवरेस्ट पर मिले अनजान लोगों के शव। ग्रीन बूटों वाले इस शव की कभी पहचान नहीं हो पाई जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकले व्यक्ति की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत सन 1922 से हुई, पर इस पर पहली बार 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे पहुंचे, लेकिन इससे पहले कोशिश कर चुके 200 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें से कईयों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। नंबर 4। द फॉलिंग मैन। जब 9/11 में अमेरिका के ट्विन टॉवर पर आतंकी हमला हुआ, उसी समय एक व्यक्ति के सर के बल नीचे गिरती तस्वीर कैमरों में कैद हुई। इस व्यक्ति की तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई, पर गिरने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई। कुछ लोगों के अंदाजे के मुताबिक सर के बल नीचे गिर रहे व्यक्ति का नाम जोनाथन ब्राइले था, जो रेस्टोरेंट में काम करता था,
पर आधिकारिक रूप से इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। नंबर 3, द हिरोशिमा स्टेप्स शैडो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ तो 3 लाख लोग एक झटके में मौत के मुंह में समा गए। ये तस्वीर धमाके वाली जगह से 850 फीट की दूरी पर खींची गई, जहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, पर परमाणु बम की ताकत ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया। सिवाय उसकी परछाई के, इस छाया की वास्तविकता की कभी पहचान नहीं हो पाई कि वो कौन था। नंबर 2, त्यानानमेन चौक पर टैंक के सामने खड़ा व्यक्ति। चीन में 3-4 जून 1989 को त्यानानमेन चौक पर चीनी सेना द्वारा छात्रों के दमन के समय की इस तस्वीर में टैंक के सामने आने वाले व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई। ये व्यक्ति कम से कम 2 बार सेना के टैंक के आगे आया और बाद में भीड़ द्वारा अपनी ओर खींच लिया गया। इसने बीच में टैंक चला रहे सैनिक से बात भी की, पर इसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। ये तस्वीर चीनी विरोध का प्रतीक बन गई, पर इस रहस्यमयी व्यक्ति की कभी पहचान ही नहीं हो पाई। नंबर 1, डी.बी. कूपर। ये व्यक्ति अमेरिकी वायुयान सेवा के इतिहास का पहला और आखिरी व्यक्ति है जिसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। इसने अमेरिकी जहाज को हवा में ही हाईजैक कर लिया और 2 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ जहाज के कहीं उतरने से पहले ही पैराशूट के साथ जहाज से कूद गया। लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिकी एजेंसियां उसे पकड़ नहीं पाई। काफी खोजबीन के 4 सालों बाद कुछ कैश कोलंबिया नदियों में मिला, पर बाकी का कैश और पैरासूट समेत कभी कूपर को पुलिस खोज ही नहीं पाई। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको यह माना जाता है कि उन्होंने समय यात्रा करी हुई है, टाइम ट्रेवल करा हुआ है? उस पर भी हमने एक आपके लिए बहुत ही अच्छी और जानकारी पूर्ण वीडियो बनाई हुई है पहले ही। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। और आज की जो यह वीडियो थी उसके बारे में कुछ लोग बोलेंगे कि आपने इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखा है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वीडियो का जो टॉपिक था वह कुछ ऐसा ही था कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ये वे रहस्यमय लोग हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए इनके बारे में जानकारी भी ज्यादा नहीं है कहीं पर भी। हमें रिसर्च करने पर जितनी जानकारी मिली, जैसी मिली, हमने आपको वैसे की वैसी बताई है। हमने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करा है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के साइड वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना भी ना भूला करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं हमारे और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस। धन्यवाद।